हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च। तो 2 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @ श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 1 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। कल का आपका क्वेश्चन था कि मुहम्मदु बुहारी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो मुहम्मदु बुहारी है ये हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफ़ी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर। तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है ये हाल ही में 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और अगर ये दिन 1 मार्च 2019 में सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम भी आपको याद रखना होगा। तो इसका थीम है एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका 2019 का थीम है एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। थीम आपको पता लग गया, उद्देश्य पता होना चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। तो भेदभाव को समाप्त करने के लिए और जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस दिन को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी। तो 27 फरवरी 2014 में बीजिंग में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसके द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा अब से। अब ये तो हो गया आपका 1 मार्च का, आप लोगों को पता लग गया कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। बट फरवरी के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे वो भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, साथ में उसका थीम भी रिपीट करूँगी, क्योंकि मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो कि आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 मार्च फरवरी को याद रखना, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था IM&IV। नेक्स्ट 10 फरवरी आपको याद रखना था, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट 11 फरवरी याद रखना, तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल इन साइंस फॉर द इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। अगला आपको याद रखना है 13 फरवरी, तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। लास्ट आपको याद रखना 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। अगला आपको याद रखना 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज एज अफेक्ट इन डेवलपमेंट पीस एंड रिकन्सिलेशन। लास्ट आपको याद रखना 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को मैंने कल आप लोगों को करंट पे पढ़ाया था कि नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया है। तो नेशनल साइंस डे इसका थीम आपको याद रखना है, तो इसका थीम है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी थी जो कि फरवरी के मंथ में इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया, मैंने रिपीट कर दिए हैं क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से रिपीट किए हैं। कल भी आप लोगों को बताया गया था, थीम भी मैंने साथ में बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के लिए नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की गई है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की गई है, और ये घोषणा किन्होंने की है, तो हमारे जो रेल मंत्री हैं ना प्रेजेंट में पीयूष गोयल, उन्होंने ये घोषणा की है। और ये इस रेलवे का नाम क्या होगा जोन, इस रेलवे जोन का, तो इसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर ना वो विशाखापट्टनम है, ये भी आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर। और ये जो रेलवे क्षेत्र का घोषणा की गई है ना, ये हमारे देश का 18वां रेलवे क्षेत्र होगा, ये भी आपको याद रखना है।
अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि हमारे प्रेजेंट में जो रेल मंत्री हैं उनका नाम पीयूष गोयल, बट स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई का नाम भी इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में पता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाम आया आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हा, लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175, और जो फोक डांस है वह कुचिपुड़ी, नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा 2018 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है? तो ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, पहले है डॉक्टर गणेश नागारज्जू, दूसरे हैं राहुल बनर्जी, तीसरे हैं डॉक्टर अमित कुमार। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2018 के लिए। देखिए हाल ही में जो CSIR है यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन्होंने 2016 के लिए, 2017 के लिए और 2018 के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना, इसकी घोषणा की है, जिसमें से 2018 के लिए ये पुरस्कार इन 3 लोगों को मिला है जिनके नाम मैंने आपको बताए। और ये देखिए पुरस्कार किन्होंने वितरित किए हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये पुरस्कार वितरित किए हैं और न्यू दिल्ली में ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इस पुरस्कार के बारे में बताते हैं, देखिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और ये पहली बार पुरस्कार जो है कि शांति स्वरूप भटनागर को दिया गया था, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम भी उनके नाम पर पड़ गया है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर। आपको CSIR के बारे में भी पता चाहिए, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अर्कोट रामास्वामी मुदालियर, और दूसरे जो फाउंडर उनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर जी। इस CSIR का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 26 सितंबर 1942 में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य जलामृथु नामक एक जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। देखिए ये जो योजना है ये जल के संरक्षण यानी कि पानी के बचाव के लिए और सूखे को ख़त्म करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो योजना है ये कर्नाटक राज्य शुरू करने वाला है ना, यहाँ पर कर्नाटक कैपिटल इसकी बैंगलोर, चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी, गवर्नर है वज्जुभाई वाला, कर्नाटक के अंदर लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा की सीटें 224। कर्नाटक का फोक डांस है ढोलू कोनीथा, और जो नेशनल पार्क है वो है नागरहोली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने बॉक्सिंग में मकरन कप में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है दीपक सिंह। दीपक सिंह आप लोगों को पता लगे हमारे इंडिया के बॉक्सिंग प्लेयर हैं, और इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया, तो फाइनल्स में इन्होंने जाफर नसेरी को हराया है, जाफर नसेरी को इन्होंने फाइनल्स में हराया है। देखिए इसी के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में हमारे भारत के कुछ और खिलाड़ियों ने इस मकरन कप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से पी लिथी लिथा प्रसाद ने 52 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इन्होंने रजत पदक जीता, और जो संजीत है इन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इन्होंने भी रजत पदक जीता है, और मनीष कौशिक ने भी पार्टिसिपेट किया था, मनीष कौशिक ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, और एक और खिलाड़ी थे सतीश कुमार, जिन्होंने 91 किलोग्राम प्लस इससे ज़्यादा वर्ग में पार्टिसिपेट किया था, पर इन्होंने भी रजत पदक ही जीता है। और दुर्योधन सिंह नेगी ने भी पार्टिसिपेट किया था 69 किलोग्राम वर्ग में, और उन्होंने भी रजत पदक ही जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी, दीपक सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो है क्रिस गेल। ये जो आपको पिक्चर दिखा रही है ये है क्रिस गेल। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आप लोगों को पता होगा क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। देखिए मैंने आपको क्रिस गेल से रिलेटेड एक और करंट पे पढ़ाया था कि क्रिस गेल ने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। 2019 में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद ये संन्यास दे देंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है, तो उस देश का नाम है ब्रुनेई। हाल ही में ब्रुनेई देश ने और भारत ने कर और बैंकिंग मामलों के पर सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है।
ये समझौता इसलिए हुआ है ताकि कर की चोरी को कम किया जा सके, टैक्स इवेशन को कम किया जा सके। ब्रुनेई देश का पहली बार नाम आया, इसके बारे में नोट कीजिए। यहाँ पर ब्रुनेई, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया, इसकी कैपिटल है बंदर सैरी वान, और इसके जो करेंसी है ब्रुनेई डॉलर, इसके जो सुल्तान है उनका नाम है हसनल बोलखिया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस नदी पर 4 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये जो अब पुल बनाया जाएगा ना, ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा 4 लेन वाला पुल। लंबाई आपको इसकी पता होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई 19.282 किलोमीटर। और ये जो पुल है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फेज 03 योजना के तहत बनाया जा रहा है। असम के बारे में पता चाहिए क्योंकि ये पुल असम में बनाया जा रहा है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर ना। यहाँ पर असम, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126, फोक डांस है बिहू, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और ये जो आरक्षण 10% दिया गया ना, ये जो आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं ना, उनके लिए दी गई है। उन्हें सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, कैपिटल है श्रीनगर, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, लोकसभा सीट है 6, राज्यसभा सीट है 4, विधानसभा सीट है 87, फोक डांस है थूमिल और कूच डांस, नेशनल पार्क है द चिंगम नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी आप लोगों को पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है, इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में ही सड़क सुरक्षा पार्क और परिवहन संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर नाम आया था तमिलनाडु का ना, यहाँ पर तमिलनाडु, कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडप्पाडी के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234, फोक डांस है भरतनाट्यम, नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, किसने NIUM की आधारशिला रखी है, NIUM की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो उनका नाम है श्रीपद ऐसो नायक, जो कि आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की आधारशिला रखी है। इसके तहत ना 200 बिस्तरों वाला एक अस्पताल खोला गया है, जो कि हमारे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। यहाँ पर ये भी पता नहीं कि ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई इस इंस्टीट्यूट की, तो गाजियाबाद में इस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है। आयुष मंत्रालय के मंत्री ने रखी थी, तो आयुष की फुल फॉर्म आपको पता चाहिए, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है। आखिरी क्वेश्चन है कि जेट एयरवेज के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम है नरेश गोयल। नरेश गोयल ना, ये जेट एयरवेज के संस्थापक और चेयरमैन दोनों ही हैं, जिन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी जेट एयरवेज के बारे में आप नोट करेंगे, जेट एयरवेज की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। फाउंडर और चेयरमैन है नरेश गोयल और CEO है विनय दुबे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको बतानी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 2 मार्च के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टडी में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा टेस्ट के लिए, तो आपका टेस्ट है, हाल ही में श्रेयास कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया, उनका नाम बताना है 4 ऑप्शन में से, प्लस श्रेयास की फुल फॉर्म भी बतानी है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े हमारे साथ, थैंक यू।